हाय गुड मॉर्निंग, मैं कथा माता रानी के द्वारा साथ में ठीक तो हो गया माता जी। तो मैं आज जा रहा हूँ बनाने पोहा। मुझे तो पता का पोहा तो ऑलरेडी कटिंग हो चुका है, उसकी ऑलरेडी कटिंग हो चुका है। तो मैं आप लोगों को सोचा करने जा रहा हूँ उसको कटिंग। ये टमाटर है, एक प्याज है और हरी मिर्च है और ये सिंगदाना है और ये नारियल है, नारियल भी इसमें आता है और कड़ी पत्ता सब आएगा। प्लीज आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो मैंने मैं इसे प्याज ऐड कर लिया हूँ, प्याज राई और सिंगदाना ऐड हो चुका है इसके अंदर। और मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड करेगा, और थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करेगा, चीनी और हल्का इसमें नमक करेगा। क्योंकि पोहा है ना चूड़ा, उसमें पहले से ऑलरेडी चीनी और नमक ऐड हो चुका है पहले कच्चा में, तो उसके मसाला में जरूरी है। तो दोस्तों मैं इसमें कोकोनट मतलब अर्थक मतलब नारियल और हरी मिर्च ऐड कर दिया हूँ, नारियल कटिंग करके और हरी मिर्च कटिंग करके ऐड कर दिया हूँ। तो आप लोग को पहले में बताया था जो कटिंग मेरा रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करने जा रहा हूँ, टमाटर है, टमाटर भी ऐड हो गया है। तो दोस्तों फाइनली मैं इसमें पोहा ऐड कर दिया हूँ, रखो जी कुछ अपने साथ है। तो चूड़ा मतलब यूपी बिहार साइड और कुछ नेपाल के साइड में चूड़ा बोलते हैं, तो हिंदी में चूड़ा ही होता है। चूड़ा इसमें ऐड कर दिया हूँ और इसमें सेव नमकीन ही कहते ना, हाँ तो नमकीन भी इसमें आता है, तो नमकीन ऐड करने जा रहा हूँ हम लोग। तो फाइनल हमारे पोहा ऑलरेडी बन चुकी है, इसमें धनिया आईडी सब हो चुका है। तो आप खाने के लिए तैयार हो जाए आप लोग आगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से इतना ही विदा लेता हूँ। तो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ माता रानी के द्वारा से आप लोग ठीक ठाक रहें। जय माता दी।